नमस्कार साथियों, मैं अक्षय आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल अचीव 90 प्लस पे। ये जीके जनरल नॉलेज का सेशन है और हम लोग आज बात करेंगे जो हमारे नोट्स होते हैं 2000, 100, 500, इन नोट्स के पीछे जो कुछ इमेजेस अभी के नए नोट्स में इमेजेस, अच्छे अच्छे इमेजेस, इंपॉर्टेंट इमेजेस गवर्नमेंट ने आरबीआई ने लगाए हैं। तो इस इमेजेस के बारे में भी अभी जनरल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि इस नोट में कौन सा इमेज है या ये इमेज किस नोट में है, ऐसे करके एग्जाम्स में, जनरल एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो मैं इसीलिए ये वीडियो बनाया आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे 2000 रुपीज के नोट से। तो 2000 रुपीज का जो नोट है उसके बैक में मंगलयान का पिक्चर बना हुआ है। आपको याद रखना है, पूछेगा 2000 रुपीज के नोट्स में बैक व्यू में क्या बना हुआ है, तो मंगलयान है वो। और मंगलयान के बारे में थोड़ा डिटेल जाने तो मंगलयान को अक्टूबर 2013 में हमारे इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था, जो कि अगस्त 2014 तक काम किया था। मैंने आपको एक पहले वीडियो में भी बताया था इसके बारे में, मंगलयान के बारे में। तो ये था मंगलयान हमारा, जो कि अक्टूबर 2013 में लॉन्च किया गया था। बात करते हैं अगर 500 रुपीज नोट्स के बारे में, तो 500 रुपीज के नोट के पीछे जो है रेड फोर्ट का इमेज बना हुआ है। तो रेड फोर्ट के बारे में अगर बात करें उसके डिटेल में, तो रेड फोर्ट सबसे पहले तो न्यू दिल्ली में है और वो जो है शाहजहां के द्वारा बनाया गया, आपको पता भी होगा। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात है कि उसके डिजाइनर, रेड फोर्ट के डिजाइनर कौन थे, उसको उस स्ट्रक्चर को डिजाइन किसने किया था, शाहजहां ने बनवाया था, उन्होंने डिजाइन नहीं किया था, जो डिजाइनर उन्होंने रखा था शाहजहां ने, उस डिजाइनर का नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी ने उस रेड फोर्ट को डिजाइन, जो हम आज देखते हैं रेड फोर्ट, उसको डिजाइन किया था उस्ताद अहमद लाहौरी ने, शाहजहां के द्वारा बनाया गया। बात करते हैं अगर थर्ड हमारा, तो आता है ₹200 नोट। ₹200 नोट जो है इसके बैक में सांची स्तूपा बना हुआ है। सांची स्तूपा एक बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, जो कि रायसेन जिला मध्य प्रदेश में आता है, रायसेन मध्य प्रदेश में है। और ये अशोका के द्वारा बनवाया गया था और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कौन सा, सांची स्तूपा, कहाँ पे है ये, रायसेन मध्य प्रदेश में। ठीक है, बात करते हैं अगर ₹100 नोट की, तो उसके पीछे जो बना हुआ है वो है रानी की वाव। ये रानी की वाव जो है ये पाटन गुजरात में है, ये पाटन जिला है गुजरात में, वहां पे है ये रानी की वाव। तो याद रखना है आपको रानी की वाव कहाँ है, पाटन गुजरात में। ये ₹100 नोट के पीछे बना हुआ है, आप देख भी सकते हैं अपने नोट निकाल के। तो बिल्ड बाय, ये नया 100 का जो नोट है ये न्यू नोट है, पुराना नोट नहीं, ये नया नोट है। ओके, उस नए नोट में, नोट में देखिएगा जो नया नोट आया हुआ है उस नोट में ये रानी की वाव बना हुआ है, पुराना नहीं। ओके, तो 500 का भी नया ही है। पाटन गुजरात में है रानी की वाव, जो कि ₹100 नोट के बैक व्यू में। और ये जो है ये उदयमती, क्वीन ऑफ चालुक्य किंग भीमा वन की रानी उदयमती के द्वारा ये बनाया गया था। याद रखना आपको रानी की, ये रानी कौन है, तो रानी का नाम है उदयमती। ठीक है, ये चालुक्य किंग भीमा वन की रानी थी। और ये जो है सरस्वती रिवर के किनारे बना हुआ है, रानी की वाव सरस्वती रिवर के नजदीक है। और ये जो रानी जो है ये है उदयमती, भीमा वन की रानी है ये। बात करते हैं अगर हम लोग आगे बढ़े, तो हमारा आता है ₹50 का नोट। ₹50 का जो नया वाला नोट वर्जन आया है उसके बारे में बात करेंगे। तो ₹50 के नए वाले नोट में हमारा बना हुआ है हम्पीज चैरियट। तो ₹50 की बात करें, हमारा 551 ₹50 जो न्यू है, मैं यहाँ पे 100 में भी न्यू लिख रहा हूँ क्योंकि ये नया नोट जो है, पुराना वाला नहीं। ₹50 का जो न्यू वाला नोट आया है उसमें हम्पीज चैरियट बना हुआ है। हम्पीज चैरियट, हम्पी का रथ, चैरियट मतलब रथ, हम्पी का रथ बना हुआ है। अगर इसके डिटेल में जाएं हम्पी के रथ कहाँ पे है क्या है, तो ये जो है कर्नाटका में है और कृष्ण देवराय ने इसे बनवाया था 6th सेंचुरी में। तो ये कहाँ पे है हम्पी का रथ, ये कर्नाटका में है और इसे बनवाने वाले थे कृष्ण, कर्नाटका, और इसे बनवाया था कृष्ण देवराय 6th सेंचुरी। तो ये कहाँ पे हम्पी का रथ, ये कर्नाटका में है और इसे बनवाने वाले राजा कृष्णदेवराय। और ये न्यू नोट में है आपका, ये जो मिलेगा आपको हम्पी चैरियट 50 रुपए के नए नोट में मिलेगा आपको, पुराने में नहीं मिलेगा। तो 50 रुपीज नोट में हम अगर बात करें तो हम्पी का चैरियट, हम्पी का रथ, जो कि अभी कर्नाटका में राज्य में आता है, और इसे बनवाने वाले कौन थे, बनवाने वाले थे हमारे राजा कृष्णदेवराय। बात करते हैं अगर हम लोग नीचे आते हैं 20 रुपीज के नोट में, 20 रुपीज का ओल्ड नोट जो है, 20 रुपीज के दो आपने नोट देखे होंगे, ओल्ड नोट जो है उसमें जो है हमारा, इसमें है ये हमारा एक गार्डन है,
बहुत ही अच्छा, जो कि है माउंट हैरियट, हैरियट नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, जो कि 20 रुपीज के ओल्ड नोट में है और ये अंडमान निकोबार में है। ओके, तो माउंट हैरियट नेशनल पार्क, ये 20 रुपीज, अगर ओल्ड नोट की बात करें, ₹20 ओल्ड, तो ये है माउंट, इसमें है माउंट हैरियट नेशनल पार्क। ओके, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, ये माउंट हैरियट नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये है अंडमान एंड निकोबार में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है, इंडिया का नहीं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ये जो है ओल्ड नोट है, आपको ध्यान रखना है कि 20 रुपीज का ओल्ड नोट में ये है माउंट हैरियट नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है, जो कि 1979 में इसको बनाया गया था। 1979, आप बोल सकते हैं कि इसको 1979 में इसका शुरुआत हुआ था, इस पार्क का, माउंट हैरियट नेशनल पार्क। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा पार्क है ये माउंट हैरियट नेशनल पार्क, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, 20 रुपीज के ओल्ड नोट में था ये। और बात करते हैं अगर हम लोग 20 रुपीज के न्यू नोट में, जो कि अभी तक शायद मार्केट में अभी नहीं आया है ये, लेकिन इसके अगर न्यू नोट की बात हम लोग करते हैं, इसमें जो है ये येलो कलर का नोट है, इसमें औरंगाबाद में स्थित हमारा एलोरा केव्स है। 20 रुपीज के न्यू नोट की बात कर रहे हैं, तो अगर 20 रुपीज के न्यू नोट की तरफ जाएं हम लोग, तो इसमें क्या है, एलोरा केव्स, जो कि कहाँ पे है, एलोरा केव्स, आपको पता होगा ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में आता है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में आता है, और इसको ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और इसे बनाने वाले राष्ट्रकूटाज, इसको भी बनाया था, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ औरंगाबाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, एंड दिस दिस वाज बिल्ट बाय राष्ट्रकूटाज, बिल्ट बाय राष्ट्रकूटाज, राष्ट्रकूट लोगों, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के लोग के राजाओं ने इसे बनवाया था, एंड यादवास भी लिख सकते हैं, और यादव डायनेस्टी के भी लोगों ने इसे, इन दोनों ने मिलकर इस एलोरा केव्स को बनवाया था। और ये जो है बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन तीनों का एक मिलावटी वाला ये टेरिस्ट प्लेस है, बहुत ही अच्छा एलोरा केव्स, हिंदू जैन और बुद्धिज्म तीनों का यहाँ पे, तीनों रिलीजन का यहाँ पे आपको गॉड्स के पिक्चर्स मिलेंगे, और इन तीनों रिलीजन का कुछ ना कुछ आपको स्क्रिप्चर्स मिलेगा, हिंदू बुद्धिज्म एंड जैन तीनों रिलीजन का, कहाँ पे, एलोरा केव्स औरंगाबाद महाराष्ट्र, जो कि 20 रुपीज के न्यू नोट, जो कि अभी तक मार्केट में शायद नहीं आया है, अगर अभी गया आपने देखा होगा तो, उसमें एलोरा केव्स है, एलोरा केव्स, जो कि कहाँ पे है, औरंगाबाद महाराष्ट्र, और बनवाया गया राष्ट्रकूट और यादवों के द्वारा, ये 600 to 1000 CE के बीच में बना है, कोई एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन ये जो एलोरा केव्स है ये बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन तीनों धर्म के स्क्रिप्चर्स इस एलोरा केव्स में, एलोरा की गुफाओं में मिलते हैं, ये ₹20 के न्यू नोट्स में था। और बात करते हैं अगर हम आए और नीचे हमारा, तो हमको मिलता है कि कोणार्क सन टेम्पल, ये था ₹10 के नोट में, ₹10 का नोट अगर बात करें हम लोग, इसमें क्या है, लास्ट हमारा है ये कोणार्क सन टेम्पल, कोणार्क सूर्य मंदिर, मैंने अपने टेम्पल वाले सेशन में ये बताया कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में, इसको बोला जाता है ब्लैक पगोडा, कोणार्क सन टेम्पल, सॉरी ये ₹10 कोणार्क सन टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल के सन टेम्पल है इस टेन इस रुपीज इस नोट के पीछे, और ये जो है कहाँ पे है आपका, पूरी ओडिशा, पूरी ओडिशा, और ये जो है इसमें इसको ब्लैक पगोड़ा भी बोला जाता है। ओके, इसको क्या बोला जाता है, ब्लैक पगोड़ा भी, और इसे बनाया था नरसिंह देवा वन ने, आपको मैंने बताया था, अपने आप अगर ज्यादा डिटेल में जाना चाहें, नरसिंह देवा वन, मैं उसे यहाँ पे बता रहा हूँ, नरसिंह देवा वन ये ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के थे, और पूरी ओडिशा में इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है, ब्लैक पगोड़ा, ये याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कोणार्क सन टेम्पल। तो ये था हमारा कोणार्क सन टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल ₹10 के नोट में है, इसे इसका अगर डिटेल में जाए तो ये पूरी पूरी ओडिशा में है, और इसे बनवाने वाले थे नरसिंह देवा वन। मैंने इसको थोड़ा सा, अगर आपको टेम्पल्स के बारे में ज्यादा अधिक डिटेल में जानना है इंडिया के टॉप टेम्पल्स के बारे में, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं टॉप 15 टेम्पल्स ऑफ इंडिया, जो कि मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया उस वीडियोस को, तो आप वहां पे जाके डिटेल में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं टॉप 15 टेम्पल, जो कि इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, जो कि आपके एग्जाम में जिनके बारे में पूछा जाता है, तो वो जाके आप मेरे वीडियो अलग से वीडियो में देख सकते हैं। और ये तो यहाँ पे बात कर रहे थे हम लोग ₹10 के पीछे लगा हुआ है कोणार्क सन टेम्पल, जो कि पूरी ओडिशा में है, और इसके बनाने वाले नरसिंह देवा वन। और ये था हमारा रुपीज नोट्स के बीच पीछे जो इमेजेस हैं उनके बारे में डिटेल्स, क्योंकि ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि एग्जाम्स में आ रहे हैं अभी, जनरल एग्जाम्स के जो आप क्वेश्चन देखेंगे इसमें ये सब क्वेश्चन जनरली पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये
ये सारे इंपॉर्टेंट है, मंगलयान हमारा हो गया, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, हम्पी चैरिट, ये सारे इंपॉर्टेंट है तो पूछे जाते हैं ये सब, तो आपके इसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को, और सबसे भूलिएगा मत मेरे चैनल अचीव 90 प्लस को सब्सक्राइब करना। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल अचीव 90 प्लस को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ओके सो सब्सक्राइब नाउ।